हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल टूल हम लोग पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल टूल में भी हम लोग फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में ऑलमोस्ट बात अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज थोड़ी सी बात हमें डिफरेंशिएशन की करनी है, देन उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी क्लोजिंग सेशन है हमारा डिफरेंशिएशन का। कुछ चुनिंदा बातें हैं जिनकी हम लोगों को बात करनी है, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा और हम लोग उसके बाद में इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट चलिए जानते हैं कि क्या हमारा डिफरेंशिएशन के अंदर बचा हुआ है। देखिए, बचा हुआ तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ रैंडमली प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराई जाए, कुछ बेसिक्स आप लोगों को और बताए जाएं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन को लेकर ऑल क्लियर हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए चलिए हम आ जाते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के ऊपर। और देखिए प्रॉब्लम नंबर क्या बनी है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट हमारे पास में ये बना, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई टू दी पावर एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन की फर्स्ट कंडीशन है, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई टू दी पावर एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं जानता हूं कि काफी टाइम हो गया है इसे पढ़ते हुए, हो सकता है कि आप बोर भी हो गए हो, लेकिन जरूरी है ये हम लोगों को पढ़ना। हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन की कोई भी सिचुएशन हम लोगों से मिस ना हो, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो आप देखो इस x को हमने नाम दे दिया है नंबर एक फंक्शन और e की पावर x को हमने नाम दे दिया है नंबर दो फंक्शन। और बच्चों हमारे पास में रूल आता है ये, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन। अगर डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होगा बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। डी अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई में सेकेंड फंक्शन है। अब कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, देखिए आप लोग प्रोडक्ट रूल, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है स्टूडेंट। प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करने का तरीका ये है, फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट ये हमारे पास में रूल है जिसका यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। चलिए हमें पहले फंक्शन की वैल्यू भी पता है एक्स है, और दूसरे फंक्शन की वैल्यू भी पता है ई टू दी पावर एक्स है। चलिए करते हैं सॉल्व, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के मुताबिक पहला फंक्शन यानी एक्स हमारा बाहर रहने वाला है, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी ई टू दी पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। ये सिचुएशन अपने पास में रहने वाली है बच्चों, पहला फंक्शन बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग समझे होंगे अभी तक। देखिए इसके बाद हम अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं, x e टू दी पावर x का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं कि e की पावर x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट, और अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो आंसर e की पावर x ही आता है। सो यदि मैं e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू दी पावर x ही आएगा। उसके बाद देखिए प्लस ये e टू दी पावर x अपने पास में बाहर है तो मैंने इसे एज इट इज ऐसा ही रखा। यहां पर देखिए बच्चों ये भी x और ये भी x, क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, इसका मतलब ये है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 1। बता रखा है भाई मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन के लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे लाइफाई लर्निंग के चैनल पर पहुंचकर अपने डिफरेंशिएशन के सभी लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। उन लोगों के कॉन्सेप्ट इन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। ओके, एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। सो स्टूडेंट ये हमारे पास में वैल्यू बन गई है डी वाई अपॉन डी एक्स की।
कुछ इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। एक एग्जांपल हमारे पास में ये हो गया है, एक रैंडम क्वेश्चन का, एक रैंडम प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। एक और एग्जाम्पल अपने पास में बना बच्चों, एग्जाम्पल है डी अपॉन डी टी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डी अपॉन डी टी का मतलब क्या है। डी अपॉन डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट हमें कंडीशन दे रखी है डी अपॉन डी टी टी टू दी पावर 4 लॉग टी, ये दे रखी है बच्चों कंडीशन, डी अपॉन डी टी टी टू दी पावर लॉग टी। अब जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम को देखूंगा बच्चों, तुरंत मैं एकदम से कहूंगा कि यार ये तो प्रोडक्ट रूल वाली कंडीशन हो गई। कैसे हो गई प्रोडक्ट रूल वाली कंडीशन? t टू दी पावर 4 एक फंक्शन, log t दूसरा फंक्शन। तो हमने एक काम किया, t टू दी पावर 4 को मान लिया है फर्स्ट फंक्शन और log t को स्टूडेंट हमने मान लिया है सेकंड फंक्शन। t टू दी पावर 4 फर्स्ट फंक्शन, log t सेकंड फंक्शन। रूल आपके सामने लिखा हुआ है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका यह है, पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोगों को वैसा ही करना है स्टूडेंट यहाँ पर। चलिए अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे जरा देखिए आप। टी टू दी पावर 4 को बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी टी लॉग टी प्लस log t को स्टूडेंट हम लोग बाहर रखेंगे और ये हो जाएगा d अपॉन डी टी टी टू दी पावर 4। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट बताया था कि ये log t है अपने पास में और इस log t को लिखने का तरीका, देखो मैं एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, log t को लिखने का तरीका ये भी होता है ln t, ln log t को ln t के नाम से भी लिखते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ t है और यहाँ भी t है तो log t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 upon t। अगर होता log x, यहाँ log x और यहाँ t, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता 1 upon x, लेकिन यहां x था और यहां t है, दोनों डिफरेंट है तो साथ में बन जाता है dx upon dt। मैं ये कंडीशन आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 upon t। इसके बाद देखिए प्लस log t, ये है t to the power 4, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा और ये बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास में इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू। तो मैंने दो कंडीशंस पर आप लोगों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके बताया है, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी एक दो कंडीशंस और हम लोगों को इसके अंदर देखनी है, लेकिन भूलिएगा नहीं भाई, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोग उस बात को समझें, ठीक है। अभी समय है हमारे पास में और मैथमेटिकल टूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप लोगों को मेरी बात ही, मेरी वर्डिंग हमेशा ध्यान रहेगी कि मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल टूल हमारा क्लियर नहीं है तो फिजिक्स हमारी क्लियर नहीं है। ज़रूरी है कि मैथमेटिकल टूल्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर रहें। डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और डिफरेंशिएशन में 5 से 6 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर भी लिए हैं। ये हमारा आज डिफरेंशिएशन का क्लोजिंग लेक्चर है, देन इसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है स्टूडेंट। ओके, सो ये कंडीशन अपने पास में हो गई है। देखिए इसके बाद मैं अगर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स। क्यों भाई, समझ रहे हो डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? डी अपॉन डी एक्स एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे डी अपॉन डी एक्स मैंने आपके सामने यहां लिख दिया है। इसके बाद देखिए क्या कंडीशन बनी, साथ में बना हमारे पास में साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। और स्टूडेंट साइन एक्स के साथ में है लॉग टी, मजा आएगा इस प्रॉब्लम के अंदर, बड़ा अच्छा सवाल है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लॉग टी, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। हालांकि फिजिक्स में हमें इसकी ज़रूरत कम ही पड़ने वाली है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं बच्चों कि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियर रहे,
हम मैथमेटिक्स लेवल का तो डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। कम से कम इतना डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर लेंगे अगर किसी प्रॉब्लम में, चाहे वो नीट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडवांस की प्रॉब्लम हो, हम कम से कम उस क्वेश्चन को लगा तो पाएँ। और अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी बात ना हो, कम से कम भाई इतना तो हम लोग करें कि फिजिक्स हमें समझ में आए अच्छे से। हम 11, 12 में अगर फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं तो वो फिजिक्स हमारे दिमाग में घुसे, हमें पता चले कि भाई हाँ हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ। ठीक है, ओके। कैसे करेंगे स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व? हमने साइन एक्स को मान लिया है फर्स्ट फंक्शन, लॉग टी को हमने मान लिया है सेकंड फंक्शन। रूल हमारे पास में है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, आप लोगों में से कौन बताएगा कि मुझे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, फिर हम d अपॉन डी एक्स करेंगे सेकंड फंक्शन का, उसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और d अपॉन डी एक्स हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। चलिए अप्लाई करते हैं, देखिए और जानते हैं कि पहला फंक्शन हमें क्या दिया है। बच्चों फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, हमने साइन एक्स को बाहर रखा डी अपॉन डी एक्स लॉग टी प्लस लॉग टी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन को देखकर एकदम से माइंड में स्ट्राइक करे कि हम लोगों को यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, अब जब हम लोगों को पता चल चुका है कि हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सेट कर दिया है। अब इसके बाद देखें बच्चों साइन एक्स, ये साइन एक्स एज इट इज यहीं रहने वाला है साइन एक्स। देखो लॉग टी, भाई मुझे पता है कि लॉग के साथ में अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन हो जाएगा, लेकिन गौर करें लॉग के साथ में टी है टी, और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लॉग टी का ये तो पक्का है कि लॉग टी का हो जाएगा वन अपॉन टी, ये तो श्योर है कि लॉग टी का वन अपॉन टी होगा, क्योंकि पहले हम सिंपल रूल अप्लाई करते हैं उसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या करना है। लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन दिस, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टी, लेकिन ये टी है और ये एक्स है, दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट। तो जब इसका, क्योंकि जब दोनों डिफरेंट है तो यहां जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अरे ये टी है और ये एक्स है, लॉग टी का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट वन अपॉन टी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। लेकिन देखिए यहां टी है और यहां एक्स है, दोनों डिफरेंट है ना, तो दोबारा से जब करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई है वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखें, वहां मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई है, आप लोगों को समझ आएगी वहां से बात। आगे देखिए प्लस लॉग टी, यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों? साइन एक्स, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। सो स्टूडेंट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस साइन के साथ क्या है एक्स, और यहां भी क्या है एक्स, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको तीन एग्जाम्पल बताए और तीन एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होती है कि कैसे हम लोगों को प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मैं दो कंडीशंस आप लोगों के सामने दोबारा से लिख रहा हूं, इस कंडीशन को आप ना भूलें बिल्कुल भी, डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यदि आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही आने वाला है, और बच्चों अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे log x का, ध्यान से यदि आप log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आने वाला है 1 अपॉन x। अगर यहां x है और यहां x है तो 1 अपॉन x ओनली, लेकिन अगर ऐसा होता स्टूडेंट मैंने किया d अपॉन डी वाई log x। देखो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में, d अपॉन डी वाई मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y,
ये log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये x, ये y, चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा dx अपॉन dy। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। ये हमारे प्रोडक्ट रूल के तीन एग्जाम्पल हैं और तीन एग्जाम्पल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये प्रोडक्ट रूल की कंडीशन अपने पास में हो गई है। अब प्रोडक्ट रूल के तुरंत बाद बच्चों हम फ्रैक्शन रूल, जिसका दूसरा नाम है क्वोशेंट रूल, उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो हालांकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स बोल, चलो यार साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रखते ही नहीं हैं हम लोगों ने रखा है स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों आप लोगों को, तो सबसे पहले तो आप लोग समझ जाओ d अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है जिसके ऊपर मैंने ये रेड सर्किल किया है ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब गौर से देखकर ये बताओ कि जिसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है वो मल्टीप्लाई में है या डिवीजन में है? बड़े आराम से आप लोग कहोगे कि सर डिवीजन में है। अगर डिवीजन में है तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कर भी पाएंगे तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ प्रोडक्ट रूल अभी अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग इस प्रॉब्लम को क्वोशेंट रूल के अकॉर्डिंग यानी फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे स्टूडेंट। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने साइन एक्स को माना फर्स्ट फंक्शन और एक्स को मैंने माना सेकेंड फंक्शन। देखिए क्वोशेंट रूल ये कहता है स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर सेकंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट माइनस के फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड। ये कंडीशन है बच्चों अपने पास में। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन की वैल्यूज को रखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, नीचे रखेंगे एक्स स्क्वायर सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर। सेकेंड वाला फंक्शन x है तो हम लोगों ने लिखा बच्चों x का स्क्वायर। अब सेकेंड वाला फंक्शन क्या है, x, यहाँ हम लोगों ने रखा d अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाला फंक्शन है साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस के साइन एक्स d अपॉन डी एक्स एक्स। सच कहूं तो यार हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान काम किया। हमें डिफरेंशिएशन के सिंपल रूल पता होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कौन सा रूल अप्लाई करना है। दोनों रूल मैं अप्लाई कर सकता था, प्रोडक्ट भी और क्वेश्चन भी, लेकिन क्वेश्चन मुझे आप लोगों को समझाना है इसीलिए मैंने वो रूल यहाँ अप्लाई किया। स्टूडेंट डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन को यहाँ रखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, इस बार हमने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। चलिए फाइनल आंसर बना देते हैं कि फाइनल आंसर क्या बनेगा। ये क्या है बच्चों, एक्स, ये क्या है साइन एक्स, ये क्या है एक्स। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस एक्स। मैंने कल की क्लास में आपको, कल नहीं बल्कि परसों की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है तो सिंपल वन आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन एक्स, ये एक्स, ये एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट हमारे पास में जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो है एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर स्टूडेंट, ये हमारे पास में फाइनल आंसर बन जाएगा। वन क्यों बना बच्चों, क्योंकि आप जानते हो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में वन होता है, वन ही होगा, नहीं तो मुझे कॉमन रूल अप्लाई करके आपको दिखाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप इस चीज को अच्छे से याद रखें स्टूडेंट। तो ये कंडीशन अपने पास में आने वाली है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, d अपॉन डी एक्स
साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, ये कंडीशन बनी अपने पास में। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ऊपर साइन एक्स है नीचे टेन एक्स है। तो स्टूडेंट साइन एक्स बन गया है अपने पास में पहला फंक्शन और टेन एक्स बन गया है अपने पास में दूसरा फंक्शन। चलिए करते हैं अप्लाई रूल के मुताबिक, डिनोमिनेटर में टेन एक्स है तो ये हो जाएगा टेन एक्स का होल स्क्वायर, टेन एक्स आ जाएगा यहां पर और ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस के साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कभी आप इसके अंदर मिक्सअप कर दीजिए इसे, ऐसा नहीं करना है। ये नेक्स्ट है, हमने अकॉर्डिंग टू द रूल इसे सेट कर दिया है बच्चों, रूल के मुताबिक हमने इसे सेट कर दिया है। अब जब रूल के मुताबिक हमने इसे सेट कर दिया है ना स्टूडेंट, आप देखिए जरा, नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या है टेन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स माइनस ये क्या है साइन एक्स, स्टूडेंट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स। भाई याद करना पड़ेगा, देखो बच्चों मैं दो दिन से बता रहा था आप लोगों को, मैंने परसों की क्लास में भी बताया था, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कम से कम ये तीन चीज तो याद करनी ही करनी पड़ेगी आप लोगों को, अच्छे तरीके से ना याद करिए। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, अपॉन में हमने दूसरे फंक्शन का स्क्वायर किया, दूसरे फंक्शन को यहां रखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने इसे ओपन किया और ये बन गया है आंसर। ओके बच्चों, कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रोडक्ट रूल और क्वाशेंट रूल दोनों के दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इस स्लाइड के बाद बच्चों मैं आपके सामने दो प्रॉब्लम लिख रहा हूं, एक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रूल के ऊपर और एक प्रॉब्लम है क्वाशेंट रूल के ऊपर, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उनका फोटो क्लिक करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप उन्हें सेंड करिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या सीखा है और उसमें से कितना सही है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिग्रेस प्रोसेस है। यहां ये समझ लीजिए कि हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे 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 फिजिक्स आप पढ़ते जाएंगे ना, बीच बीच में भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी आप यहां से सीख पा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं दो प्रॉब्लम आपके सामने लिख रहा हूं, उन्हें सॉल्व करने के बाद में आपको मेरे पास में व्हाट्सएप करना है। बच्चों क्या है वो दो प्रॉब्लम, चलिए देखिए दो प्रॉब्लम कौन सी है आपके पास में। बच्चों आपके होमवर्क में एक प्रॉब्लम तो ये है d अपॉन डी वाई, एकदम से समझ गए होंगे d अपॉन डी वाई का मतलब क्या है। d अपॉन डी वाई मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बच्चों, और आपके पास में है e टू दी पावर x साइन x, बड़ा अच्छा सवाल है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं लेकिन यहां x दे रखा है, ध्यान रखिएगा जो बात मैंने आपको बताई थी, अगर यहां x है और यहां y है तो दोबारा से करना पड़ेगा dx अपॉन dy हो जाएगा, उस बात को ध्यान रखिएगा और उस बात को ध्यान रखकर तब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, d अपॉन dt साइन t अपॉन x स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारी क्वाशेंट रूल के ऊपर बेस्ड है, यानी जिसे हम लोग फ्रैक्शन रूल का नाम देते हैं ना स्टूडेंट, उसके ऊपर बेस्ड है। ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्वाशेंट रूल है, जस्ट मैंने आप लोगों को अभी सिखाया, आप लोग ध्यान रखिएगा, आराम से पेशेंस रखकर प्रॉब्लम को बनाइए, बनाने के बाद में अपना आंसर मेरे पास में भेजिए, कोई बात नहीं, अगर गलत होता है ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। गलत होने का मतलब यह है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, गलत होगा एक बार होगा दो बार होगा तीसरी बार हम डेफिनेटली सही करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आप लोगों को अपने आप बनानी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करने के बाद में। अब स्टूडेंट आ गया है क्लोजिंग टाइम, हमें डिफरेंशिएशन को बस यहीं पर क्लोज करना है, जितना हम लोगों ने सीख लिया है ना वो बहुत है हम लोगों के लिए,
बाकी हम लोग जैसे जैसे हमारा चैप्टर चलेगा वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों कि डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स में कहाँ अप्लाई करते हैं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है और इसके बाद में हमारा डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा। यहीं पर आपका एक छोटा सा बेसिक सा इंटीग्रेशन, जो इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि एक्स, एक्स मीन्स स्टूडेंट, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स के बाद वी, वी मीन्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद ए, ए मीन्स एक्सीलरेशन। उम्मीद है कि इन शॉर्ट फॉर्म को आप समझ रहे होंगे। अब आपको आदत डालनी पड़ेगी इन शॉर्ट फॉर्म की, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हम इन शॉर्ट फॉर्म को ही लिखेंगे। डीएसपी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से, ये x है, ये v है। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, x के अंदर डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे कि ये d अपॉन डी टी x, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये अलग और ये अलग, तो ये बन जाएगा बच्चों dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट हमारे पास में ये है, मैं आपको बताता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलना है या वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में बदलना है, हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, यदि मुझे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इस बात को याद रख पाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। आगे चलकर पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर हमारे सामने आने वाला है, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सीलरेशन। ये समझिए एक चेन बन गई, चेन जो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होकर एक्सीलरेशन पर खत्म हो रही है। बच्चों एक चेन बन गई जो डिस्प्लेसमेंट से तो स्टार्ट हो रही है और एक्सीलरेशन पर खत्म हो रही है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन बन गया। यानी डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन बन जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन की। आज हम इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, मैं इंटीग्रेशन का सिर्फ एक बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा, एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन की। क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है ना, जो उल्टा प्रोसेस है, वो इंटीग्रेशन है। जैसे कि आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेलोसिटी में बदल दिया, एक्स को वी में बदल दिया, कैसे? डिफरेंशिएशन करके। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वो वेलोसिटी में बदल गया। मैं चाहता हूं कि मैं वेलोसिटी से दोबारा उसे डिस्प्लेसमेंट में लेकर आऊं, यहां से यहां लेकर आऊं, तो स्टूडेंट मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सीलरेशन को दोबारा वेलोसिटी में लेकर आना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप समझ जाइए, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलना है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में बदलना है डिफरेंशिएशन, और यदि रिवर्स जाना है, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी में बदलना है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में बदलना है तो इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड जाना है डिफरेंशिएशन, पीछे जाना है तो इंटीग्रेशन। यहां पर ये सिचुएशन है हम लोगों के बच्चों। तो ये सारी कंडीशन स्टूडेंट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर हो गई है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रेशन में बहुत लंबी क्लास हमारी नहीं लगने वाली है, कल की क्लास, ओनली वन क्लास, सिर्फ एक क्लास हमारी इंटीग्रेशन में लगेगी, वो कल की है। उसके बाद में इंटीग्रेशन हमारा फिनिश्ड हो जाएगा, दो तीन क्लास हमारी और लगेगी, जिसके बाद में पूरा मैथमेटिकल टूल हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा।
आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग बीच में से लेक्चर्स को देख रहे हैं वो ऐसा ना करें। अगर आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है तो स्टार्टिंग से आप लेक्चर्स को देख कर आएँ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी और आप विजुलाइज कर पाएंगे कि सही मायने में मैथमेटिकल टूल्स के अंदर होता क्या है बच्चों, ठीक है। ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो है स्टूडेंट, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर एक DPP मिलेगी, उस DPPs की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है वहाँ पर तो मेरे साथ में डिस्कस करना है वाया फोन और व्हाट्सएप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, 7 अप्रैल है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये 8 अप्रैल की हमारी वीडियो है बच्चों। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी और उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी वीडियोस को आप लगातार तरीके से देखें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी वीडियोस को YouTube से हटा दिया जाएगा, फिर आपकी सभी वीडियोस हमारी ऐप के ऊपर चलने वाली है। ओके स्टूडेंट।